फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में देर रात एटा चौराहा स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए वैगनार कार सवार ने डीजल डलवा कर भाग गए। बिना भुगतान के कार सवारों के भागने से डीजल डालने वाले उक्त कर्मचारी ने कार सवारों का पीछा किया तो कार सवारों ने कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कार सवार घटना को अंजाम देकर भाग गए। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कर्मचारी को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। विपिन कुमार, आप यहां मौजूद थे, क्या घटना हुई है? अल्टो में डीजल पड़ा, वो पेट्रोल पड़ी थी 1,000 रुपये 1,020 की जी। उनने पैसे मांगे, उनने आगे बढ़ा के पैसे दे रहे हैं, फिर मैं अपने नॉइल पर डीजल डालने चला गया, वो गाड़ी ले गया। मैं पूछी, मोटरसाइकिल वाले ने कहा मुझसे कि भैया पेट्रोल डाल लो, मैंने ये कहाँ गए, उनने ये तो गाड़ी के पीछे चले गए। मैंने जब देखा तो वहाँ दिखाई नहीं दिए कहीं, ये तो आ गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करने पर पता चला कि मैंने भी छोड़ा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, किसने कुछ ला, उन्हीं गाड़ी ने कुछ लाया? नहीं, पता चल रही कि कौन सी, मैं तो था नहीं, मैं तो यहीं पंप पे था। क्या स्थिति है? अब स्थिति बताते हैं उनकी उम्मीद। क्या कार्रवाई कर रही है? प्रारंभिक देखिए, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि पेट्रोल पंप पे कोई व्यक्ति जो है यूपीएससी नंबर की गाड़ी है, वो वैगन आर वो लेकर आया, उसने 1,000 रुपये का तेल भरवाया और पैसे नहीं दिए और वो वहाँ से निकल गया। इस बात पे जो सेल्समैन था वो उसके पीछे गया, तो मैनपुरी चौराहे के आसपास उसने उस गाड़ी को देख लिया, फ़ोटो खींचने की कोशिश की, तो उसने जो है जानबूझकर टक्कर मारी और आगे निकल गया। अब पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है? अब देखिए, अभी उसकी तलाश की जा रही है, जैसे वो मिलेगा और परिजनों की तहरीर पे जो भी, मतलब जैसी भी तहरीर देंगे उसके आधार पे आगे की जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी।